तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चित्र लेखन, मतलब कि जो चित्र वाला क्वेश्चन आपके सीबीएसई अंकल आपको एग्जाम में देंगे और कहेंगे कि 5 लाइन इस पे लिख के दीजिए, वही वाला टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले बता दे कि जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। और जो चाहते हैं कि पर्सनली मेरे गाइडेंस में संस्कृत का प्रिपरेशन करें, वो संस्कृत प्रो बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रो बैच क्या है, फुल डिटेल वीडियो बना दिए हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक जरूरी सूचना दे दे। ठीक है, क्या सूचना? कि ये जो है चित्रलेखन का पार्ट 2 है। ठीक है, दूसरा पार्ट है, ये दूसरा भाग है। इससे पहले एक पार्ट हम बना चुके हैं, चित्र वाला जो लेक्चर है आप लोग देख ही लिए होंगे। जो नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर के बाद उसको जुलूल जुलूल देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब कुछ कहेंगे कि सर क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ नए बच्चे आते हैं डायरेक्ट इसी वीडियो पे आएंगे और नीचे गाली देने लगेंगे कि अबे तू डायरेक्ट ये बता रहा है, चित्र तूने पढ़ाया ही नहीं। तो बच्चों, अगर आपके मन में ऐसा है तो चित्र बेटा हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। ठीक, और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज जो है कॉमन लाइन है, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कि सर ये चित्र है तो हम क्या लाइन लिखे, सर ये वर्षा का चित्र है तो क्या लाइन लिखे, स्कूल का है तो क्या लिखे, पार्क का है तो क्या लिखे, समुद्र का किनारा है तो क्या लिखे, यहाँ पर सर क्लासरूम का है तो क्या लिखे, तो वही सब आपको आज हम बताएंगे। और साथ में कुछ कॉमन लाइन भी आपको बताएंगे जो हर एक चित्र में यूज होता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब जैसे ही हम ऐसे हटे, आप लोगों के मन में सवाल आ गया होगा कि सर ये क्या सब लिख दिए, हमको तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो टेंशन काहे लेते हैं, अभी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो समझ में क्या खा खाएगा। तो शांति से बैठिए, सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, आप लोग का बहुत ज्यादा डाउट है इसलिए शांति से बता रहे हैं। अब सुनिए स्टूडेंट, जब भी आप बोर्ड के एग्जाम में जाइएगा, जब भी, और आपको वहाँ पे मेला वाला चित्र दे, मेला वाला फोटो दे, मेला समझ रहे हैं ना, जहाँ पे जाते हैं, खाते हैं, झूला झूलते हैं, रंग बिरंगे सामान खरीदते हैं, मेला लगता है। ठीक, तो मेला वाला अगर आपको चित्र दे तो आपको पहला लाइन क्या यूज करना है, यही वाला यूज कीजिएगा, अत्र मेलायह दृश्यम अस्ति। क्या यूज कीजिएगा, अत्र मेलायह दृश्यम अस्ति, समझ गए। जब भी आपको मेला का सीन दे, मेला का चित्र दे, तो आपको यही याद करके वहां पे लिख देना है, अत्र मेलायह दृश्यम अस्ति, हो गया। उसके बाद जब भी आपको वर्षा का चित्र दे, वर्षा यहाँ पे कोई लड़की नहीं है, वर्षा का मतलब हो गया रेनी सीजन, बरसात का अगर सीन हो तो आप पहला लाइन यह यूज कीजिएगा, इदम वर्षायह दृश्यम अस्ति। क्या यूज कीजिएगा, इदम वर्षायह दृश्यम अस्ति। ठीक है, यूज कीजिएगा। आप क्या करते हैं कि अपने मन से इदम जोड़ दिए, अत्र जोड़ दिए, और इससे क्या होता है कि ग्रामेटिकल इरर होता है और मार्क्स आपका कट जाता है। तो जितना भी हम लिखे हैं इसमें कोई भी ग्रामेटिकल इरर नहीं है, तो इसी लाइन का आपको यूज करना है। ध्यान से मेरी ये बात आप सुन लीजिए। ठीक, उसके बाद जब भी आपको स्टूडेंट पार्क का सीन दे, पार्क का पिक्चर दे, ठीक है, किसका दे, पार्क का पिक्चर दे, तो आपको क्या लाइन यूज करना है, अस्मिन चित्रे एकम उद्यानम अस्ति। क्या यूज करना है, अस्मिन चित्रे एकम उद्यानम अस्ति। क्या यूज करना है, अस्मिन चित्रे एकम उद्यानम अस्ति। कब, जब आपको कोई पार्क वाला चित्र दे। अब आप कहेंगे सर पार्क वाला चित्र क्या होता है, तो देखते नहीं है पार्क वाला चित्र में कि बच्चा खेल रहा है, कुछ लोग टहल रहे हैं, फूल का पेड़ रहता है, बड़े बड़े वृक्ष रहते हैं, उसी को कहते हैं पार्क वाला चित्र। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए खास अनाउंसमेंट कर दूं, कल फूफा जी लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए 2 तगड़े लाइव क्लास। पहला क्लास 5 बजे आपको घटनाक्रम का मिलेगा, तो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और दूसरा क्लास शाम 7:30 बजे आप लोगों के लिए है, सेमूसी बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका।
तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एग्जाम का मौसम आ गया है, तो आप जो है अपना फाइनल एग्जाम का प्रिपरेशन अन एकेडमी के इमर्ज के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप सीबीएसई के क्लास 10th और 12th के लर्नर्स हैं तो एकदम इसमें इमर्ज में जुलूल पार्टिसिपेट कीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कोड लगा लीजिएगा फूफा10। उसके बाद अन एकेडमी आप लोगों के लिए एक और खास ऑफर लेके आया है कि अगर आप लोग 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन, तो आपको 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। तो लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कोड लगा लीजिएगा फूफा10 और जुलूल ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद अभी सीबीएसई क्लास 9 के लिए अनअकैडमी लेके आया है कॉम्बेट, तो इसमें भी जितने भी क्लास 9th वाले भैया दीदी हैं पार्टिसिपेट कीजिएगा। बहुत सारा स्कॉलरशिप आपका इंतजार कर रहा है, बस कोड लगाना है फूफा10, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, समझ गए। उसके बाद एक चित्र आपसे जरूर पूछता है, अत्र सागर तटस्य दृश्यम अस्ति, ये वाला लाइन एकदम गांठ बांध के याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको कोई सागर का किनारा दिखे, ठीक है, समुंदर का किनारा दिखे और वहीं पे पूरा घर वगैरह हो, बच्चे खेल रहे हो, तो आप यह जरूर लिखिएगा ये वाला लाइन कि अत्र सागर तटस्य दृश्यम अस्ति, मतलब यहाँ पे समुंदर यानी कि सागर का जो किनारा है, ठीक है, वो हमको क्या हो रहा है, दिख रहा है। उसके बाद स्टूडेंट, जब भी आपको कोई स्कूल का सीन दे, स्कूल का कैसा भी सीन दे, असेंबली का दे, ठीक है, क्लासरूम का दे, तो आप इस चित्र इस लाइन का हमेशा यूज कीजिएगा कि अस्मिन चित्रे एकह विद्यालय अस्ति। जब भी किसी चित्र में स्कूल का अगर आपको सीन दिखता है तो आपको क्या यूज करना है, अस्मिन चित्रे एकह विद्यालय अस्ति, क्या यूज करना है, अस्मिन चित्रे एकह विद्यालय अस्ति, ठीक। उसके बाद जब भी आपको कोई सरोवर का चित्र दे, वही वाला, तो आपको यूज करना है अस्मिन चित्रे एकह सरोवर अस्ति। उसके बाद आपको क्लासरूम का अगर चित्र देता है, ठीक है, आप देखते भी होंगे, पिछले साल भी बोर्ड एग्जाम में पूछा था एक सेट में, ठीक है, कि क्लासरूम का फोटो था जिसमें टीचर पढ़ा रही थी, बच्चे सब पढ़ रहे थे, तो पहला लाइन हमको क्या यूज करना है उसमें, इदम कक्षायाः चित्रम अस्ति, इदम कक्षायाः चित्रम अस्ति, कक्षायाः, ठीक है, इसमें आप अपने मन से कक्षानी कुछ बच्चे लिख दिए, कक्षायस्य लिख दिए, जो सब बिल्कुल गलत है, आपको क्या लिखना है, इदम कक्षायाः चित्रम अस्ति, समझ गए। उसके बाद स्टूडेंट, जब भी आप चित्र देखिएगा और आपको लगे कि ये चिड़ियाघर का चित्र है, सर कैसे पता चलेगा, तो वहाँ पे तरह तरह के जानवर होंगे, हाथी होगा, ठीक है, आप देखिएगा जिराफ होगा, ठीक है, रैबिट होगा, ठीक, सब कुछ अगर जानवर का हो तो आप समझ जाइएगा कि चिड़ियाघर का चित्र है, ठीक, तो आप क्या लिखिएगा, इदम जंतुशालायाः चित्रम अस्ति, ठीक है, मंजूषा में भी दिया होगा तो समझ जाइएगा, इदम जंतुशालायाः चित्रम अस्ति, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बता रहे हैं। उसके बाद आप देखिएगा स्टूडेंट, अगर आपको प्लेग्राउंड का चित्र दे, किसका फोटो दे, प्लेग्राउंड का दे, तो आपको कौन सा लाइन लिखना है, इदम क्रीडांगणस्य चित्रम अस्ति, ध्यान से याद कर लीजिए, इदम क्रीडांगणस्य चित्रम अस्ति, जब आपको कोई प्लेग्राउंड का चित्र दे जहां पे बच्चे सब क्या कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, तो आपको यही लाइन का यूज करना है। उसके बाद स्टूडेंट, अगर आपको लाइब्रेरी का चित्र दे दे, ठीक है, जहाँ पे सभी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक, तो लाइब्रेरी वाला सीन में आप लिखिएगा कि इदम ग्रंथालयस्य चित्रम अस्ति, क्या लिखिएगा, इदम ग्रंथालयस्य चित्रम अस्ति, तो ये जो है स्टूडेंट पहला लाइन लिखा जाता है जिसको आपको एकदम क्या करना है, गांठ बांध के याद कर लेना है, आपके मुँह पर ये सब याद होना चाहिए कि अगर विद्यालय का चित्र है तो हमें क्या यूज करना है, अगर पार्क का चित्र है तो हमें क्या यूज करना है, अगर यहाँ पे क्लासरूम का चित्र है तो हमें क्या यूज करना है, तो ये सब आप अपने दिमाग में क्या कीजिएगा, याद करके रखिएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है, चलिए, गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट बढ़ गया है और पंखा बंद कर दिए हुए हैं ताकि आपको एक बढ़िया सुंदर सा मीठा सा आवाज़ पहुँच सके, ताकि आप वीडियो को बड़े इंजॉय के साथ देखें, कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। देखिए यहाँ पे पानी पानी, ठीक है, जैकलिन का गाना है ना, पानी पानी हो गई, ठीक, वही वाला हाल यहाँ पे हो गया है, ठीक, और उसकी जो बहन थी मैकलिन, लंदन वाली मैम, अब वो भी भाग गई लंदन, आ नहीं रही है,
ठीक है, ऐसे आ जाएंगे। चलिए, उसके बाद यह तो हो गया पहला लाइन। अब इसके बाद का जो हम लाइन बता रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर एक चित्र में इसका लगभग यूज हो ही जाता है, तो आपको एकदम याद करके रखना है। तो अब लंदन वाली मैम बताइए, हेलो स्टूडेंट, आई एम मैकलिन फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी, सिस्टर ऑफ जैकलिन। If you see any चित्र, the बच्चा खेलिंग फुटबॉल, मतलब कि कोई भी चित्र में आप देखिए कि बच्चा सब मिलके फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, तीन बच्चा या उससे ज़्यादा बच्चा मिलके फुटबॉल खेल रहा है, तो आपको यही लाइन लिख देना है, चित्रे बालकः पाद कंदुकेन क्रीडन्ति। कोई भी चित्र हो, ठीक है, क्लासरूम का चित्र हो, अगर उसी में खेल रहा है, पार्क का हो, स्कूल का हो, ठीक है, समुद्र का किनारा हो, अगर आप देखिए प्लेग्राउंड हो, क्या गया प्लेग्राउंड हो, कुछ भी हो, अगर वहाँ पे तीन बच्चा या उससे ज़्यादा बच्चा सब मिलके फुटबॉल खेल रहा है, तो आप ये लाइन एकदम आँख मून के लिख दीजिए, चित्रे बाल कह पाद कंदुकेन क्रीडंती। ठीक, उसके बाद आपको चित्र में वृक्ष दिख जाए, पेड़ दिख जाए बड़े बड़े, तो आपको ये लाइन लिखना है, चित्रे वृक्षो सतः। ठीक है, चलिए, चित्र में आपको महिला भी दिखे पुरुष भी दिखे, अक्सर आप देखिएगा पार्क वाला जो चित्र होगा वहाँ पे एक महिला और एक पुरुष जरूर रहेगा, तो आपको ये लाइन यहाँ पे लिख देना है, चित्रे पुरुषः महिला च सतः, कि मतलब चित्र में महिला के साथ कौन है, पुरुष भी मौजूद है। अगर चित्र में आपको फूल दिखे, ठीक है, फूल दिखे, फूल, फूल मतलब होता है फूल, फ्लावर, और एक फूल मतलब होता है फूल बनाना, तो जब भी आपको फूल दिखे, फ्लावर दिखे, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, तो जब भी फ्लावर दिखे तो आप CBSE को फूल बना दीजिए, ये लाइन हमेशा लिख दीजिएगा कि चित्रा चित्रे पुष्पानि दृश्यन्ते। ठीक है, चित्रे पुष्पानि दृश्यन्ते, मतलब चित्र में क्या दिख रहा है, फूल दिख रहा है, मतलब फ्लावर दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद कोई भी चित्र में अगर आपको घर दिखे, घर दिखे, एक घर अगर आपको दिखता है तो आप इस लाइन का हमेशा यूज कीजिएगा, चित्रे एकम गृहम अपि अस्ति। कौन सा लाइन यूज करना है, ये वाला लाइन यूज करना है, चित्रे एकम गृहम अपि अस्ति, मतलब इस चित्र में एक घर भी है। उसके बाद अब चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं, उसके बाद स्टूडेंट क्लासरूम का अगर आपके पास चित्र आता है, किसका चित्र आता है, क्लासरूम का फोटो आता है और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, तो आपको यह लाइन इस्तेमाल करना है, कक्षायाम अनेके छात्र पठंती। क्या इस्तेमाल करना है, कक्षायाम अनेके छात्र पठंती, हो गया। उसके बाद स्टूडेंट अगर आपको स्कूल का चित्र दे, स्कूल का अगर फोटो दे और वहाँ पे एक लाइब्रेरी हो, तो आपको यही लाइन यूज करना है, विद्यालय एकह पुस्तकालय अस्ति। क्या यूज करना है, विद्यालय एकह पुस्तकालय अस्ति, समझ गए। चलिए, उसके बाद आपको एक और लाइन यूज करना है, जब आपको चित्र में दिखे कि चिड़िया सब उड़ रही है, कोयल सी तेरी बोली कू, इस टाइप का, तो आपको लिखना है, आकाशे अनेके खगा उड्यंती, मतलब आकाश में क्या हो रहा है, उड़ने का काम हो रहा है। उसके बाद स्टूडेंट आपको अगर स्कूल का चित्र दे, ठीक है, विद्यालय का चित्र दे और उसका कोई भवन रहे वहाँ पे, बिल्डिंग दिखे, तो आप यह लाइन एकदम यूज कीजिएगा, विद्यालय से भवनम भव्यम वर्तते, ठीक है, कि विद्यालय का जो भवन है वो क्या है, मतलब कि भव्यम है, बहुत बड़ा भवन है, ठीक है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ठीक, और उसके बाद अगर पांचवा लाइन आपको कुछ भी नहीं आए चित्र में, तो वही अपना ब्रह्मास्त्र निकाल के छोड़ दीजिएगा, क्या, इदम चित्रम मनोहरम अस्ति, अगर चित्र प्यारा है, सुंदर है, जैसे विद्यालय का चित्र है, तो वहाँ पे आप क्या लिख देंगे, पांचवा लाइन, अगर कुछ ना आए तो इदम चित्रम मनोहरम अस्ति, हो गया। अब ये कोई उदासी वाला चित्र है किसी के मरने का, तो उसमें ये लाइन मत लिखिएगा कि मनोहरम अस्ति, ये अच्छा नहीं, वहाँ पे मनोहरम के जगह दुखदम लिख दीजिएगा,
ठीक है, लेकिन अगर आपको चित्र बढ़िया दिखे, एकदम खूबसूरत दिखे, पार्क का सीन है, कितना बढ़िया लगता है, तो वहां पे हम लोग ये लाइन यूज करेंगे मनोहरम का, ठीक है। इदम चित्रम मनोहरम अस्ति, मतलब ये चित्र क्या है, मनोहर है, मतलब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो आज जो स्टूडेंट हमने आपको ये लाइन दिया है, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट मत लीजिए, ठीक है, ऐसी गलती नहीं कीजिए। स्क्रीनशॉट ले रहे थे उनको हम बोल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल मत लीजिएगा, हाँ स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, इसको कहीं पे नोट कर लीजिए और जितना लाइन बताए हैं उसको एकदम याद कीजिए, ठीक है। चलिए, हाँ ये सब लाइन जहाँ दिखे आपको लगा देना है। जैसे हम यहाँ पे बताए हैं चित्रे पुष्पानी दृश्यन्ते, पार्क में अगर दिखे वहीं पे ये लाइन लगा दीजिए, स्कूल में अगर फूल दिख रहा है वहीं पे लाइन लगा दीजिए, एकदम चलेगा। कहीं पे भी बच्चा सब फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, लौंडा सब, तो आपको क्या करना है, ये लाइन लगा देना है कि चित्रे बालक पाद कंदुकेन क्रीडंती, हो गया। अगर आपको क्लासरूम में दिख रहा है कि बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, आप लगा दीजिए कक्षायाम अनेके छात्रः पठन्ति, ठीक। अगर अगर आपको चित्र में घर दिख रहा है, एक घर दिखेगा अक्सर, दो घर दिखे तो दो का लिख दीजिएगा, एक घर दिख रहा है तो चित्रे एकम गृहम अपि अस्ति, ठीक है। चलिए, हो गया, यही सब है, इस सब को याद रखिएगा तो दो तीन लाइन तो ऐसे ही बन जाएगा। और अभी बहुत सारा इसी तरह लाइन लिख के आपको प्रैक्टिस करा देंगे, टोटल 70-80 लाइन करा देंगे, हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, रजाई ओढ़ के, अभी तो ठंडा आ गया है, सॉरी गर्मी आ गया है, तो रजाई तो ओढ़ेंगे नहीं, मतलब एकदम तकिया पे निश्चिंत होके सो जाना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। जब तक हम है संस्कृत में बिना किसी टेंशन के पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर कीजिए, बाबू सोना के साथ 20-30 बार शेयर कर दीजिए। आज थोड़ा सा तबीयत डाउन है, देख रहे हैं आवाज़ भी निकल नहीं रहा है ठीक से, ठीक है। और अपने मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ तो पूरा सुबह से लेकर शाम तक सेंड कर दीजिए, अंकल जी को परेशान कर दीजिए कि अंकल जी छत पे से कूद जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद।